बिल्कुल, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर हम लगातार मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में कल एक सूचना मिली थी तो कि मावा यहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है अभी भी, तो कल हमने नागदा में बिल्कुल सर्चिंग करी थी और एक सूचना भी मिली थी। तो सदर का रूपेटा गांव जो है वहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है जो राजकुमार मोहता का है, और उसका कोई किसी प्रकार का वैध लाइसेंस भी हमें मौके पर नहीं पाया गया। कल तक उसने कोई लाइसेंस हमसे नहीं लिया था और ये तो एक ऑफेंस है ही, बिना लाइसेंस के 6 महीने की सजा का प्रावधान है। और इसके अलावा उसमें वहाँ पर भारी मात्रा में मावा संग्रहित पाया गया, लगभग जो दलिया देखे हम तो उसके बताए अनुसार और रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 18,000 किलो करीब मावा है, जो जिसके अनुमानित कीमत 45 लाख है। और प्रॉपर वो दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं कर पाया, ना व्यापारी, एक व्यापारी के अलावा कोई अन्य व्यापारी उपस्थित नहीं हुए। तो हमने सभी के सैंपल्स लेके जाँच के लिए भोपाल भेज दिए हैं और सभी को जब तक कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।